फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस के ऊपर, और हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप्स के भी कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर, और हमने वहाँ पर एक बात आपको कही थी। वो बात कुछ इस तरीके से थी कि जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन्हीं के अंदर बहुत सारे और भी फोर्सेस हैं, लेकिन वो फोर्सेस क्या है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए हम सभी इन सभी फोर्सेस को क्या करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर शामिल कर देते हैं। कहने का मतलब है, कुछ फोर्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आते हैं, कुछ हमारे आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के, और कुछ आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, और कुछ बायोलॉजिकल फोर्सेस भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फोर्सेस जितने भी हैं ना, उन सबको कैटेगराइज किया था हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स की एक बार फिर से, और साथ ही बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फोर्स की थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, फोर्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो कई लोग इसे कई तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोर्स की डेफिनेशन में हम लोग बेसिकली फोर्स को या तो पुल के नाम से जानते हैं या फिर पुश के नाम से। इन दो टेक्निक्स की मदद से हम लोग जो है वो फोर्स पैदा करते हैं या फिर फोर्स हमें मिलता है, ठीक है, ये चीज हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस एक्शन की वजह से या फिर जिस पुल या पुश की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे गति करते हैं या मोशन करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्शन दैट कॉजेज ए फ्री ऑब्जेक्ट विथ फाइनाइट मास टू एक्सेलरेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है एक ऐसा एक्शन है जो किसी फाइनाइट मास जिस किसी ऑब्जेक्ट में हो उसको एक्सेलरेट करवाने में काम आता है। बिल्कुल सही, हम लोगों ने यही आज तक पढ़ा है, तो यही हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो फोर्स होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, यानी कि दो टाइप्स हैं फोर्सेस के। पहले फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट करें। जैसे कि जितने भी मैकेनिकल फोर्सेस हैं हमारे, जितने भी मैकेनिकल फोर्सेस हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उनका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे मस्कुलर फोर्स, मैंने कहा था बायोलॉजिकल फोर्स भी होते हैं, मस्कुलर फोर्स यानी कि मसल्स का फोर्स भी हो सकता है, और भी अलग मतलब है मस्कुलर फोर्स का। साथ ही फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और एयर रेजिस्टिंग फोर्स, और कई तरीके के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हालांकि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि हम कोई फोर्स अगर अप्लाई करें तो उस फोर्स को रोकने का काम करता है। बेसिकली हमें ये धरती पे दिखता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई चीज़ खींचते हैं, ले जाते हैं खींच करके, घसीट करके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आड़े आता है चीज़ को रेस्ट करने के। नॉर्मल फोर्स, हमने पिछली वीडियोस में एक एग्जांपल देखा था, जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो तुरंत नीचे की तरफ जो है ग्रेविटी का फोर्स लगने लगता है, तो नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स से कोई चीज़ उठाना। अप्लाइड फोर्स यानी कि हम किसी चीज़ पर अप्लाइड करें फोर्स, यानी कि कोई चीज़ अगर हम लोग खिसकाना भी चाहें या डिस्प्लेस करना चाहें तो उसके लिए हमारी बॉडी यानी कि हमारे हाथ उस दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट में आएंगे, तभी वो फोर्स लग सकता है। टेंशन फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस है, ये टेंशन जो फोर्स है वो थोड़ा सा अलग है बाकी फोर्सेस से, जिसे हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये अलोंग विद द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग लगता है, और इस फोर्स के अंदर वर्क नहीं होता, बाकी फोर्सेस वर्क करते हैं लेकिन इस फोर्स में वर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगला है जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है या खींचा जाता है बाहर की तरफ, तब ये फोर्स लगाती है, जैसे कि सोफे के अंदर जितनी भी स्प्रिंग होती है। उसके अलावा एयर रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग तेज गति से बाइक चला रहे हो या फिर कार के शीशे अगर हम लोग खुले रखें तो एयर रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो कोई भी व्हीकल है उसको स्लो करने की कोशिश करता है, तो एयर रेजिस्टिंग फोर्स इस तरीके से काम करता है। तो एयर का जो प्रेशर है वो जाकर के ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए इन सबको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। दूसरे जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हो सकते हैं आप बता सकते हैं सोच के, जरा आप सोच सकते हैं पॉज करके वीडियो चाहे तो।
देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि अगर मैं हवा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर कोई चीज छोड़ दूं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन पुल लगेगा और चीज नीचे आएगी। मतलब इतना ऊपर से भी फोर्स उस पर लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, भाई धरती के कोर से जितनी भी हमारी चीजें हैं प्रकृति में, मेटल की या फिर कोई भी, हमें देखने को मिलता है मैग्नेटिक फोर्स, और साथ ही ये धरती के बाहर भी हमें देखने को मिलता है अगर ऑब्जर्व किया जाए, साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कि आपको याद होगा वही स्केल वाला और बालों से रगड़ने वाला एग्जाम्पल, या फिर कैट फर से रगड़ने वाला जिसमें हम लोग जो ग्लास की रॉड है जब इसको रब करते हैं कैट फर से या फिर सिल्क से, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे कागजों को या छोटी छोटी चीजों को या बालों को अपनी तरफ अटैक करने लगता है बिना कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये सारे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेसिकली इन दो फोर्सेस के टाइप यही होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट वो जो कॉन्टैक्ट में आकर के असर दिखाएं, और नॉन कॉन्टैक्ट वो जो बिना कॉन्टैक्ट में आए भी असर दिखाएं। ये बेसिकली दो टाइप्स माने जाते हैं हमारे फोर्सेस के। देखिए अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेस की, तो ये बात तो क्लियर है कि टाइम टाइम पे लोगों को हमेशा से फोर्सेस की जरूरत पड़ती रही है, या यूं कहूं कि जब जब हम लोगों ने जैसी जैसी मोशन हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है इंसान ने शुरुआत से मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि 16th-17th सेंचुरी से, तब से ही फोर्सेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ये स्टार्ट हमें पता है कि ग्रेविटी से हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हुआ तो उसे खोजा गया। लेकिन ये जो बाकी के बचे हुए जो फोर्सेस है, ये एक्चुअली उस डेवलपमेंट का नतीजा है जहाँ पर जरूरत मेन है, यानी कि हमारी नीड मेन है। जैसे जैसे हमारी नीड होती गई वैसे वैसे इन फोर्सेस का डेवलपमेंट होता गया। जैसे कि अगर मैं टेंशन की बात कर लूँ, तो आप लोगों ने कुएं पे लगी हुई पुली तो देखी होगी। इस पुली के अंदर जो रस्सी बांधी जाती है, ये वैसे टेंशन फोर्स कोई वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इससे काम निकालते, मतलब इससे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट वैसे तो इसका अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन डायनामिक्स के अंदर, बेसिकली डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर हमें फोर्सेस का डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है। जैसे कि हमारे न्यूटन के जो मोशन के हमारे लॉज है वो उसी का नतीजा है। साथ ही आगे चल के फोर्सेस बदले जब ऑब्जेक्ट की सिमेट्री चेंज होने लगी, जैसे कि हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर एक अलग ही तरीके के मोशन हमें देखने को मिलते हैं। क्या है कि जब कंप्रेस करेंगे तो बाहर आना चाहेगा और जब खींचेंगे तो अंदर जाना चाहेगा। तो इस तरीके से सिमेट्री पर भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की सिमेट्री पर भी डिपेंड करता है फोर्स। तो इस तरीके से जो फोर्सेस हैं उनका डेवलपमेंट होता गया, वो ऑब्जेक्ट के आधार पर भी हो सकता था, और साथ ही जो ऑब्जर्वेशन होती थी मतलब नेचुरल ऑब्जर्वेशन उसके आधार पर भी होने लगा। तो इस तरीके से आगे चल के जब हम एक एक करके फोर्स आगे पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।